तो नमस्कार दोस्तों, और हमारे सामने है बालोद जो जिला न्यायालय में जो परीक्षा हुआ उसका, और आज हम इसके मॉडल आंसर के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर कट ऑफ कितना आ सकता है इस पर थोड़ा हम एक विचार अपना व्यक्त करेंगे। और इसके लिए ये देख लीजिए, हमारे पास इनका विज्ञापन भी है, क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा ये कितने पद हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर स्टेनो में तो दो ही पद हैं, तो इस पर छोड़ते हैं। सहायक ग्रेड थ्री मेन चीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए, अनारक्षित में 9, 3, 12, 1, 13 पद हैं, ठीक है, एवं पिछड़े वर्ग में 3, 1, 4 पद हैं। अनुसूचित जनजाति में हैं 3, 2, 5 पद, ठीक है, और अनुसूचित जाति में नील है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है अनारक्षित में कितना, 9, 3, 12, 1, 13, तो जो जनरल कास्ट में है उनके लिए 13 पद हैं मान के चलिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद बढ़ जाते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद और बढ़ जाते हैं। तो चलिए एक बार इसका पहले ना ये मॉडल आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के टफनेस जो लेवल है उसको चेक करेंगे, कौन से क्वेश्चन जो है गलती हो सकता है अभ्यर्थी से या परीक्षार्थी से, उस पर हम एक टिक मार्क लगा देंगे। तो चलिए देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये करेंट अफेयर्स का मामला है, ये लगभग मतलब जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के, उनको पता होगा। स्कूल जाने वाले बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में किस संस्था द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो NCERT का ही होता है, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है दोस्तों, इसमें कोई ये वाला बात नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु जाना जाता है, वह संपदा है खनिज संपदा, एकदम ये सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, बारनवापारा, भोरमदेव, दंती, तमोर पिंगला, ये भी छत्तीसगढ़ सामान्यगण जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन है, साल है, सब जानते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ना बहुत सारा संशोधन हुआ था, तो इसको भी गेस कर पाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, इसको चलिए एक राइट मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, IFCO का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी दोस्तों उतना कठिन नहीं है, देखा जाए तो है ना, IFCO खाद लिखा रहता है ना, तो फर्टिलाइजर से ही रिलेटेड है, क्लियर। इन दोनों में हो सकता है नहीं, ये कॉमन सेंस का बात है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो ये सब जानते हैं, रजिया बेगम। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान, मध्य प्रदेश की कवित्री हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, अरावली, ये भी सब जानते हैं। कारण है अरावली जो राजस्थान है ना, ऐसा माना जाता है राजस्थान पहले समुद्र था, कहना चाहिए, तो समुद्र के बैरियर पर था अरावली पर्वत इस टाइप से, तो ये पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो इसको बहुत सारे लोग नहीं जानेंगे, तो ये दूसरा प्रश्न हुआ जो कहना चाहिए टफ है, जो मिस्टेक हो सकता है। इनमें से किसे पहला राजीव गांधी पुरस्कार मिला हुआ था, खेल रत्न पुरस्कार, तो ये भी टफ है, कहना चाहिए विश्वनाथ आनंद, मेजर ध्यानचंद, कर्णम मल्लेश्वरी, गीत सेठी, और सबसे पहला बोल जा रहा है, तो ये भी गलत होने के चांसेज रहेंगे। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जो कहना चाहिए हमको टफ लग रहा है। नीचे दिए गए विकल्प में शून्य आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सके। स्पष्ट है दो लाइन है, तीन लाइन है, चार लाइन वाला है, तो पांच लाइन वाला ही होगा। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग गलत करेंगे, और पता नहीं डिस्कस थ्रो, चक्का फेंक, तो मान के चलिए ये क्वेश्चन भी आसान नहीं था, ये चौथा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1942 से, और 1947 में जाकर भारत अंग्रेज लोग कहना चाहिए छोड़ गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहता है, इसको बना सकते हैं, कुर्सियां, बालकों, स्त्रियां, इस टाइप से बन सकते हैं। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये भी बन सकता है। तीसरा, ऋचा पश्चिम की ओर चलते, ये भी एकदम ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, और ये तो एकदम ईजी है, 8, 3, 11, 10, 11 वाला चीज़ है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ये 6 है, बिल्कुल इसको कोई भी जान डालेगा, 1, 2 और 1, 3, 4, 5, ये, और इसको टोटल करके 6। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ये अधिकांश लोग जो परीक्षार्थी है जानते हैं, बाबर एवं इब्राहिम जो लोधी है शायद तक उनके बीच, और यहीं से जो है लोधी वंश है ना, ये लोधी है वास्तव में, ठीक है ना, तो ये लोधी वंश का यहीं पर समाप्ति हुआ था और मुगल वंश का आरंभ हुआ था, प्रथम पानीपत युद्ध, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 17 तो ये गणित का है लेकिन बन जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, सब जानते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, जो कहना चाहिए मस्तक में होता है या सर में होता है, सब इसको जान डालेंगे। एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है।
इसमें लोग इधर उधर गलती करेंगे, तो ये मान के लिए हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। माय कंट्री माय लाइफ की रचना किसने की, लाल कृष्ण आडवाणी, और इसमें भी लोग मिस करेंगे लेकिन जो लोग पढ़े होंगे ना वो लोग बना लेंगे। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट बना हुआ है ना, जिसमें इतने बहुत सारे लोग जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो शहीद हुए उन लोग का नाम लिखा हुआ है ना, वही है कहना चाहिए, तो थ्योरी है ये जान डालेंगे सब लोग। पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम्स सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के रचयिता कौन है, सरोजनी नायडू, कमल सुरैया। इसमें भी कहना चाहिए लोग गलतियां करेंगे मान के चलो, तो ये छठवा हो गया। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है, ये जान डालेंगे। किसी व्यक्ति को चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट है, सब इसको आ जाएगा। ये भी उतना कठिन नहीं है, ठीक है। हैज ए फ्रेंड हुज पेरेंट लाइफ, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें थोड़ा से कहना चाहिए 40th, लेकिन ये भी उतना कठिन नहीं है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये कठिन तो है, लेकिन इंग्लिश जो लोग जानते हैं उन लोग के लिए बनवाला 50% मान के चलिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये भी बन जाएगा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। महान का स्त्रीलिंग महती होता है, नाक कौन सा लिंग है तो स्त्रीलिंग होता है, जैसे ठीक है ना, ओ यह पिट ही गया कौन सा वाक्य, तो विस्मयवाचक वाक्य ही है क्योंकि यहाँ पर ओ लगा हुआ है। बीड़ा पाणी कौन सा है, तो ये बहुव्रीहि समास है। अशुद्ध शब्द है नक्षत्र, क्योंकि यहाँ पर अक्षा लगता है ऐसे वाला, ठीक है। वेतन वृद्धि, वेतन में वृद्धि, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ही होता है। किस पुस्तक का संबंध हिटलर से, हिटलर का जो पुस्तक का संबंध है मेन कैंप या मेरा संघर्ष है, इसको शायद तक जेल हो गया था है ना, और जेल में ही इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, और उससे बाहर निकलने के बाद इन्होंने कहना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वार जो है खड़ा कर दिया। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तमिलनाडु है। कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। पॉलिटिक्स किसकी रचना है, और पॉलिटिक्स की रचना जो है ये है दोस्तों अरस्तु की। लोग इसको अगर ध्यान देंगे ना तो मिल जाएगा। राजनीति शास्त्र में अरस्तु को बहुत पुराना जो है कहना चाहिए व्यक्ति माना जाता है। ये नोबेल है नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, शेक्सपियर नहीं, ये आदमी अगर ना इसको क्या बोलते हैं लॉजिक लगाएगा ना तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो नाटक लिखे हैं शेक्सपियर, और अल्फ्रेड नोबल के तो आप जानते हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता, ये डायनामाइट की इन्होंने आविष्कार जो है किया था, तो इस संबंध में नहीं है। मनुष्य के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव किसे माना जाता है, अधिकांश लोग हाथी या कुत्ता में लगाएंगे, तो ये 7वां या 8वां क्वेश्चन हो गया जो मिस्टेक है। शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, लेकिन प्रतिबंध लगाने से उल्टा हुआ था, बहुत ज़्यादा तस्करी बढ़ गई थी। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। चांद पर पानी तो भारत ने ही खोजी थी, चंद्रयान 1 जो मिशन था उसके तहत। गूगल मैप में किसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये भी कहना चाहिए एक हिसाब से देखा जाए ना, तो दिमाग लगाएगा आदमी तो ये सभी भारतीय नाम है, ये जो है अंग्रेजी नाम है, तो थोड़ा अलग है तो इसको लगाएंगे। तो मूल बात देखा जाए दोस्तों, तो इसमें जो है ना 40 के आसपास क्वेश्चन जो पढ़ता होगा, पिछले 4 महीना 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा, 40 क्वेश्चन के आसपास जो है ना वो बना लेगा, ठीक है। अब प्रश्न आता है बाकी जो भी जो क्वेश्चन है ना 10 क्वेश्चन, वो डिसाइड करेगा कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, क्लियर। तो चलिए इस पर एक अंदाज़ा लगाते हैं, ये हमारा जो है देख लीजिए ये है, और इसमें देख लीजिए अनारक्षित में कितना है, 9, 3, 12, 1, 13, याद रखिए ना वो प्रवर्गवार ही निकलेगा, ठीक है। तो एक पहले ये देख लेते हैं कि कितने अनुपात में जो है बुलाया जाएगा, तो देख लीजिए 10 गुणा अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, और यहाँ पर कितने अभ्यर्थी हैं देख लीजिए, अनारक्षित में है 9, 3, 12, 1, 13, मतलब 13 दहम 130 लोग, कितना 130 लोग, 130 लोग को अनारक्षित में बुलाया जाएगा। तो और इसमें जो फॉर्म है उसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा गई है, तो दोस्तों मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मैक्सिमम जो नंबर है ना इसमें मेरे को जो लगता है 45 के आसपास जो है मैक्स नंबर जाना चाहिए, मैक्सिमम 45 के आसपास, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वैसे एक दो जने का जाएगा भी, तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो अनारक्षित के लिए 38 से ऊपर होना चाहिए, मेरा अंदाज़ा है 38 प्लस होना चाहिए, 38 प्लस, ठीक है।
और बाकी इन दोनों के लिए मैं सोचता हूँ ये 35 क्वेश्चन अगर आपने डील किया है 35 प्लस तो बात बन सकती है। और इसमें फॉर्म कितना गया था उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने सारे फॉर्म, मतलब जितने ज़्यादा फॉर्म गए होंगे ना उतना ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और मेरे को याद आ रहा इसमें बहुत सारे फॉर्म गए थे, वैसे बालोद जिला जो है बहुत आगे था, कहना चाहिए जो विज्ञापन निकालने में, उसको प्रोसेस कराने में, और ऑनलाइन फॉर्म इसका सबमिट भी हुआ था, इसलिए इसमें फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा गई है। तो ये उम्मीद कीजिए कि ये ऊपर भी चला जाए, नीचे तो मेरे को नहीं लगता कि जाएगा खाके। तो दोस्तों अनारक्षित के लिए ये 38 से नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। सेफ मार्क्स अगर आप मेरे को बोलोगे अनारक्षित के लिए तो मैं सोचूंगा आपको 42 से 45 के बीच अगर आपका है ना तो आप सेफ मार्क्स में हैं कहना चाहिए, ठीक है, एकदम 100% में। और बाकी अगर आप इसमें से अनुसूचित जनजाति से है तो इनका जो है नीचे जाता है, सबको पता है, लेकिन दिन दो 5 पद ही है, तो 5 × 50 मतलब ये मान के चलिए आप 30+ ये, ठीक है। ओबीसी नहीं गिरेगा क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं, ये आपको पता है, सबसे ज़्यादा फॉर्म किसके जाता है, ओबीसी के जाता है, तो ओबीसी में ये नहीं गिरेगा, नीचे नहीं आ पाएगा, ऊपर जा सकता है। अनुसूचित जाति का तो यहाँ पर इनको किसे फाइट करना है, अनारक्षित में फाइट करना है, तो जितना अनारक्षित है काहे कहना चाहिए उतना अनुसूचित जाति के लिए भी होना चाहिए, कोई स्पेशल इनके लिए तो जारी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई पोस्ट है ही नहीं। तो दोस्तों मेरा जो कैलकुलेशन बता रहा है, मेरा जो अंदाज़ा है वो हिसाब से अनारक्षित के लिए मान के चलिए जो UR हैं उनके लिए ये जो है 38 से 45 के बीच, ठीक है, अर्थात दूसरी भाषा में कहें तो 38 सेफ है, सेफ नहीं 38 तक जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और 45 में कमा कहना चाहिए, 45 के आसपास मेरे को लगता है वो मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर 50 किसी को मिलेगा, मेरे को नहीं लगता है किसी को मिलेगा, वैसे किसी का किस्मत सिकंदर किस्मत होगा तो बाद लगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेरे को लगता है ये 35 प्लस के आसपास, याद रखिए ना दोस्तों ओबीसी में बहुत सारे कैंडिडेट, मतलब 1:10 जने ओबीसी रहेंगे तो बाकी सब मिला के 2-3 जने होंगे तो बहुत ज़्यादा है, नहीं तो उससे भी कम रहता है। तो ओबीसी में ये 35 प्लस ही होना चाहिए और उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और बात करें एसटी में तो एसटी में मेरा अंदाज़ा है ये जो है 30 प्लस, और एसटी में कहाँ नहीं जा सकता क्योंकि एसटी में नीचे भी आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक अनुभव से कहना चाहिए कैलकुलेशन कि इतना जा सकता है, बाकी तो कहना चाहिए रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बता सकते हैं जो जारी होगा कहना चाहिए। तो आप जो है इस हिसाब से परीक्षा की, कौशल परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं, एक मोटी मोटा कहना चाहिए। अगर आपका 40 प्लस है तब तो फिर किसी में से भी रहें, आपको तैयारी तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि और लोगों को हमारे चैनल के बारे में जानकारी मिल सके और अपना जो है भविष्य वो बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।